नमस्कार दोस्तों, मैं एचबी और आप देख रहे हो ब्लास्टर बॉय। सो आज की वीडियो और एक नई चीज के ऊपर होने वाली है। आज हमारे पास है ये पैकेट, इसका नाम है ग्लो एंड लवली, जिसका पहले नाम था फ्री एंड लवली, मगर इसके साथ कुछ पंगा हो गया था इसलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये देख सकते हैं फ्री एंड लवली इस नाउ ग्लो एंड लवली, और ये विंटर वाला ग्लो एंड लवली है। तो इसको क्या करेंगे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो इसको सबसे पहले काटेंगे और इसको ये जो पूरा पैकेट है वो मैं अपने फेस के ऊपर लगा लूँगा। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके अपने स्किन के ऊपर लगाता है, मगर मैं आपको दिखाने के लिए पूरा फेयर लवली अपने स्किन के ऊपर लगा लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको एक वार्निंग देता हूँ, ये चीज़ घर पर बिल्कुल ट्राई मत करना, क्योंकि इससे आपका स्किन के ऊपर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ सकता है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो चलिए इसको सबसे पहले काटते हैं। इसके लिए हमें एक सीजर की ज़रूरत होगी, और ये रहा वो सीजर, मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमने कुछ बंदोबस्त कर ली है, हमने पानी ले ली है, और अगर मेरे चेहरे पे कुछ मतलब अननेचुरल सा फील हुआ तो मैं पानी से तुरंत मुंह को धो लूँगा। तो चलिए इसको रखते हैं और इसको सबसे पहले काटते हैं। इसको सीजर की ज़रूरत नहीं है शायद, हाँ ठीक है, सीजर से काटते हैं। चलिए भाई ठीक है, इतना ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये पैकेट काटने के बाद इसमें से और एक पैकेट निकल के आता है जो कि ऐसा है, देख सकते हैं ये। और चलिए इसे अब लगाते हैं पूरा, वो भी अपने फेस के ऊपर। तो चलिए इसको इस पैकेट को खोलते हैं और लगाते हैं। तो इसके लिए इस चश्मा को उतारना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे ये बताना कि इस पूरा लवली को लगाने के बाद मैं क्या हुआ, और गोरा हो जाता हूँ या काला हो जाता हूँ, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको दोनों पिक्चर प्रोवाइड कर दूँगा, आपके पिक्चर और लवली लगाने के बाद की पिक्चर, और मुझे देख के बताना कि कौन सी पिक्चर में मैं ज़्यादा ब्यूटी यानी कि सुंदर लग रहा हूँ। तो चलिए इसको लगाते हैं और चश्मा को खोल लेते हैं। इस पैकेट को लगाते हैं, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, और ये चीज़ आप घर पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिए, आपके स्किन के ऊपर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले निकल जाओ भाई, ओके ये देख सकते हैं, ये रियली में फेयर लवली है। और चलिए इसे लगाते हैं, आप पूरा स्किन के ऊपर लगा लूँगा, जैसे ऐसे करके लगा लूँगा। तो पूरा लगाते हैं, ओह नो ये गिर गया भाई थोड़ा सा। तो देखिए मैंने कुछ लगा लिया, और ये निकलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें से, तो थोड़ा सा काट लेते इसको मिडिल से, ऐसे काट लेते सीजर से। इसका मैंने दो हिस्से में काट ली है, और इसे लगाते हैं। देखिए बहुत सारा है ऐसे करके, तो गाइस देख सकते हैं मैंने पूरा जो पैकेट है वो अपने चेहरे के ऊपर लगा ली है, और ये पैकेट जो हमने ख़त्म की है। और मेरा चेहरा का लुक कैसा आ रहा है मुझे ठीक से पता नहीं, आप कमेंट में बताना। पर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे करके पोंछ लेता हूँ, और देखिए मेरा चेहरा का लुक कैसा आ रहा है। तो मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है बाद में क्या होगा, स्किन के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। तो फिलहाल के लिए मेरा चेहरा आपके सामने, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या मैं और भी सुंदर लग रहा हूँ या थोड़ा सा अननेचुरल सा लग रहा हूँ। सो चलिए हम मुँह को और अच्छे से पूरा साफ कर लेते हैं, और फिर आपके सामने दिखाता हूँ। तो
तो गाइस हमने पूरे अच्छे तरीके से अपने मुंह को पूरा फेयर लवली से साफ कर लिया है और अब ये कुछ आपके सामने ऐसा है। तो मैं आपको 2-3 मिनट बाद बताता हूँ कि इस पूरा फेयर लवली को लेने के बाद मेरे चेहरे पे क्या फील आ रहा है। तो मिलते हैं 2-3 मिनट के बाद। तो गाइस करीब 5 मिनट का वक्त हो चला है मेरे फेयर लवली को लगाते हुए और मैं आपको इसका रिएक्शन बताता हूँ। मुझे थोड़ा सा मतलब ठंडा सा महसूस हो रहा है, मतलब जैसे मैं मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रखता हूँ तो ठंडा सा महसूस हो रहा है और मुझे कुछ देर बाद यानी कि 2-3 मिनट बाद कुछ जलन सा महसूस हुआ था, मगर अब वो पूरी तरह से मिट गया है। और इसका मैं फेयर लवली का आपको टेस्ट बताता हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा है, ये बहुत ही बेकार सा टेस्ट है, इसको कोई टेस्ट मत कीजिए, वैसे तो ये टेस्ट करने की चीज़ है नहीं। और लास्ट में आपको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, ये चीज़ आप घर पे बिल्कुल ट्राई मत कीजिए क्योंकि इसका आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही मतलब खराब सा इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करा, आप बिल्कुल ऐसे चीज़ को ट्राई मत कीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप अगर पहली बार हो तो, और इस वीडियो को जो भी देख रहे हो लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताना ये वीडियो कैसा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।